आप सबको नरेंद्र मोदी के नमस्कार। लोकतंत्र विजयी हो, भारत विजयी हो, भारत माता की जय। बेल आइकन जरूर दबाएं, मोदी जी को फिर से जिताएं। यहां पर श्रीमान गुलाम नबी जी ने भी और श्रीमान आनंद जी ने भी अफसरों के तबादले को लेकर के बड़ी पीड़ा व्यक्त की, और मैं देख रहा हूं जैसे पानी में चना सूखता है ऐसे सूख रहे हैं लोग। इतना दर्द हो रहा है इनको कि ट्रांसफर हो गई। मैं जरा कहना चाहता हूं, उपदेश देने से पहले जरा हम भी आईने में देख लें अपने आप। 2004 में आपकी सरकार बनी थी। 2004 में सरकार बनते ही आपने एक पल के विलंब बिना कैबिनेट सेक्रेटरी को हटा दिया था। आपकी 2004 में सरकार बनी थी, आपने सीनियोरिटी को छोड़ करके फॉरेन सेक्रेटरी की नियुक्ति की थी। 2004 में आपकी सरकार बनी थी, आपने पल भर में होम सेक्रेटरी को निकाल दिया था। 2004 में आपकी सरकार बनी थी, आपने महत्वपूर्ण डिफेंस सेक्रेटरी को पल भर में निकाल दिया था। इतना ही नहीं, आपने अपमानित करके गवर्नरों को अंधेरे में रख करके निकाल दिया था। हमने ये काम नहीं किया। और गुलाम नबी जी, आप तो हेल्थ मिनिस्टर, आप हेल्थ मिनिस्टर थे जब आप ही के विभाग का एक सेक्रेटरी पोलियो के लिए यूएन का सम्मान प्राप्त कर रहा था। एक हाथ में यूएन का सम्मान चल रहा था और दूसरे हाथ में आपने निकाल दिया था। और इसलिए हम क्या क्या खोलना चाहते हैं तय करें। मैं नया हूं लेकिन खजाना बहुत बड़ा है, और इसलिए हम उस दिशा में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं वो हम तय करें। और इसलिए हम कहते हैं कि भाई हमारी कोशिश ये है, गुड गवर्नेंस हमारा प्रयास है। यहां पर ये भी बात आई कि भाई कुछ हमारे समर्थकों के मुंह से भी आती है, कुछ हमारे प्रति अच्छा भाव रखने वालों का भी आता है और कुछ विशेष प्रेम करने वालों का भी आता है, और मुझे तो विशेष प्रेम करने वालों का प्रेम बहुत मिला है। जमीन पे कुछ नजर नहीं आता है। मोदी जी की बात तो बहुत अच्छी है, मोदी जी सोचते अच्छा है, लेकिन जमीन पर कुछ नजर नहीं आता है। मैं अपने साथियों को कहना चाहता हूं, अब लंबे अरसे तक सत्ता में रहे और सत्ता का एक नशा होता है, भगवान करे हम बच जाएं। और जब सत्ता का नशा होता है तब सर काफी ऊंचा रहता है, और जब सर ऊंचा रहता है झुकने की आदत छूट जाती है, और जब झुकने की आदत छूट जाती है तब जमीन दिखती नहीं। और इसलिए जितना झुकोगे उतना ही जुड़ोगे। और इसलिए मैं जो जमीन की बात पूछना चाहते हैं उनको कहना चाहता हूं, काम कैसे होता है। रेलवे सरकार की, हाईवे सरकार के, लेकिन दोनों के बीच इतना टकराव चलता था कि 350 से अधिक प्रोजेक्ट हाईवेज के रेलवे मंजूर नहीं करती थी, या रेलवे के प्रोजेक्ट हाईवे मंजूर नहीं करता था। किसी को रोड क्रॉस करके रेल ले जानी है और किसी को रेल क्रॉस करके हाईब्रिड ओवरब्रिज बनाना है, 350। और कई सालों से हम आए, हमारे ध्यान में आया, हमने दोनों डिपार्टमेंट को बिठाया, साइलो को खत्म किया, दोनों के बीच एमओयू किया, और मुझे आज खुशी है इसका ऑनलाइन पोर्टल बना है, ऑनलाइन क्लियरेंस दिया जाता है। 350 सालों से अटके हुए सारे प्रोजेक्ट क्लियर हो गए दोनों डिपार्टमेंट में, और कोई भी प्रपोजल आएगी 60 दिन में क्लियर करना तय कर दिया गया। 60 दिन के भीतर जो काम अभी प्रोसेस में है, आज सिर्फ 22 प्रोजेक्ट हैं जो प्रोसेस में है। ये है गुड गवर्नेंस, ये है काम होना। आप देखिए,